वंदे मातरम, जो श्रद्धा के साथ हुआ है, उस बच्ची के साथ जो हुआ है ना, मेरी आंखों में नमी भी है, बहुत गुस्सा है आज मेरे अंदर, लेकिन मैं आज उसको दवा के ना, मैं निदान पे सॉल्यूशन की बात करने आया। आपको बताता हूँ देश में कितने सेंसिटिव लोग हैं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ पर पूरे देश में ना बवाल मच जाता है, है ना। आप एक बात सोचिएगा जरा इस बारे में, जितने लोगों को आप फॉलो करते हैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, एक चीज करिएगा, पिछले 24 घंटे में या पिछले 12 घंटे में कितने लोगों ने इसकी स्टोरी भी डाली, कितने लोगों ने अपनी एक पोस्ट डाली। इस देश की एक बेटी इतना महत्व नहीं रखती है, क्योंकि जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, अगर वो एक पोस्ट डालते हैं ना तो पूरी क्रांति हो सकती है। कहां गए वो लोग, अब कहां गए वो लोग जो बिल्कुल ट्रेंड कराने लगते हैं चीजों को। मुझे एक प्रश्न ये पूछना है, मेरा बड़ा सवाल है, फिर मैं सॉल्यूशन पे आता हूं, कि अगर मान लीजिए किसी सेलिब्रिटी, जिसको कहा जाता है स्टेटस है, जो फेमस लोग हैं, अगर वो फेमस लोग अपनी एक पोस्ट डालते हैं, स्टोरी डालते हैं, तो हो सकता है एक बच्ची जो उनको फॉलो करती है उसको वो स्टोरी वहां देखकर अवेयर हो जाए। ध्यान रखिएगा दोस्त, हम अगर आज भी ना इस चीज को अवॉइड करते गए, कहीं बहुत लेट ना हो जाए। आप सबसे ना बहुत एक भाई के तौर पर, एक बाप के तौर पर, एक हिंदुस्तानी के तौर पर, एक ऐसा भारतीय जिसको मैटर करती है उसके देश की बेटियां और उन बेटियों की इज्जत मैटर करती है। ये मैटर नहीं करता कि कौन अमीर की बेटी है, कौन गरीब की बेटी है, कौन किसकी बहन है। प्रॉब्लम सबको पता है, सॉल्यूशन क्या है। हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, जितनी बच्चियां जितनी बेटियां अगर समझ गए आप तो बहुत बड़ी बात है। बुरे वक्त में सिर्फ दो ही चीजें काम आती है, अपनी ही अकल और अपने ही बाजुओं की ताकत। क्या आपने अपनी बच्चियों को ये दे पाए? समाज के तौर पर हमें अवेयर करवाना पड़ेगा, ताकत देना पड़ेगा। हम सब पेरेंट्स को और ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों के वेयर अबाउट्स के बारे में, कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किसके साथ। लोग कहते हैं ना मॉनिटरिंग इज इम्पॉर्टेंट, आप उनके बारे में पॉजिटिव मत होइए, उनको परेशान मत कीजिए। बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। जिम्मेदारी भाइयों पर भी आती है, पॉजिटिव मत होइए यार, उन पे शक मत कीजिए, उन्हें पर डांटिए मत, उसका दोस्त बनिए ना उस बेटी का। मैं हमेशा कहता हूँ यार, हम लोग को तो समझ में नहीं आया, हम लोग तो डंबल में ही फंसे रह गए, ये कहां तक बंबल तक पहुंच गई जनरेशन। मैं ये कहता हूँ कि ये पीढ़ी बहुत समझदार है यार, आप लोगों की पीढ़ी बहुत समझदार है। आप उस चीज का क्या उपयोग करते हैं, इस इंटरनेट के माध्यम का आप क्या उपयोग करते हैं। और ये स्पेशली उन बेटियों के लिए, उन बच्चियों के लिए मेरा एक मैसेज है। किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग में जब आप एक कोई कुर्ता खरीदते हो, आप एक टी शर्ट लेते हो, तो आप उसके रिव्यूज पढ़ते हो, उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हो, किस टाइप का प्रिंट है, किस टाइप का कपड़ा है। तो आप जिन लोगों को चुनते हो आप अपना मित्र बनाने के लिए, आप जिनके साथ उठते बैठते हैं रहते हैं, क्या आप उनके बारे में इतनी जानकारी करते हैं? करिएगा प्लीज। एक किसी बच्चे ने बहुत अच्छी बात लिखी अभी कि ऐसे बहुत से कम केसेस हैं जो सामने आ पाते हैं। मैं मानता हूं इस बात को, मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूं। बात यहां पर यह है, मान लीजिए 1% केस है, बहुत सारे, लेकिन डर जब होगा ना तो ये केसेस कम होंगे। ये मेरा मानना है, जितना मैं पढ़ पाया हूं, जितना मैं समझ पाया हूं। जहां जहां जिस जिस देश में आप, दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जिनका आप उदाहरण ले सकते हैं, ये बच्ची के साथ 6 महीने पहले एक अपराध होता है और आप सोचिए ये चीज दबी रहती है, और ये भी नहीं पता कि इस लड़के ने सिर्फ ये केस है कि बहुत सारी चीजें। बात यहां पर ये आती है कि आप और हम समाज के तौर पर क्या इस बात को सही लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैं अपनी कोशिश करते आ रहा हूं, आज भी कर रहा हूं, आगे भी कर रहा हूं। मैं जो इतने सालों से मांग करते आ रहा हूं वो आप सबको भी पता है, और मैं सच बोल रहा हूं ये बात। मुझे जो इतना मानना है ना कि बहुत पत्र लिख लिए बहुत ना, आप लोग भी टैग जरूर करिएगा। किसको टैग करना है आपको? भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, नंबर एक। दूसरे नंबर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को, तीसरे नंबर पर माननीय गृह मंत्री जी को, और चौथे नंबर पर हमारे घर के कानून मंत्री जी उनको, चाहे तो महिला बाल विकास मंत्री जी को भी आप टैग जरूर करें और ये प्रश्न जरूर पूछें। मैं इस पूरे केस के बारे में सिर्फ बात नहीं करना चाहता, क्योंकि केस आप अभी तक आपको पता चल गया होगा। मैं इस बात पर बात करना चाहता, सॉल्यूशंस क्या है। कोशिश तो करते हैं ना, मैं ये कहता हूं सॉल्यूशन हो ना हो बात अलग है, कोशिश भी ना करें, कोशिश करना बनता है। कोशिश करिए, प्रयास करिएगा। मुझे पता है लोग इस पर गाली भी दे सकते हैं। आपको इस वीडियो में अगर कुछ लिखना है बिल्कुल लिखिए, गुस्सा ना मुझ पर निकालिए, लेकिन अपने परिवार में बच के रहिए। मुझे इसलिए भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो रास्ता चुना है बड़ा कठिन है ना। शहीद आजम की वो बात है कि हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमें भी पाला था माँ बाप ने, दुख सह सकते। सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, सबकी जिंदगी में समस्याएं हैं, सबकी जिंदगी में बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन उसके बाद भी ना अगर आप परिवार में ही नहीं जी पाए, परिवार को ही स्ट्रांग नहीं कर पाए, तो कोई काम का नहीं है साहब। कुछ भी पैसा कमा ले, कुछ भी, एट द एंड ऑफ द डे आपका फैमिली ही मैटर करेगा। बच्चों को ये समझना पड़ेगा, जो भी ये बेटियां हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि माँ बाप आपका क्यों गलत चाहेंगे बेटा।
उनका क्या स्वार्थ है आपसे? हर माँ बाप सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि जो उनने गलतियां की है ना, वो चाहते हैं कि कभी उनके बच्चे वो गलतियां ना करें, और दूसरा कभी कोई माँ बाप ये बात नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों को नुकसान हो। चाहे कितना भी झगड़ा हो, ध्यान रखिएगा, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उनके बच्चों का नुकसान हो, अब वो बेटा हो बेटी हो कोई, आगे ऐसी कोई और बेटी के साथ कुछ ना हो। उसके लिए चार सोल्यूशन जो मुझे लगता है, भारत की पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि एक नया स्ट्रिक्ट कानून पारित किया जाए, जो कि बिल प्रोड्यूस किया जाता है, फिर उसके बाद फिर बिल को जब कानून में बदला जाए दोनों हाउसेस। मुझे लगता है हर पॉलिटिशियन जो बाप है ना, कोई भी पार्टी का, क्यों नहीं मिल सकते हम एक बार, क्यों नहीं सभी पॉलिटिशियन ऐसे एक बार इकट्ठे होके एक कानून ऐसा बना दीजिए। कानून अगर ऐसा होगा जहां लोगों को भय हो जाए कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो मेरे साथ ये होगा, एक तो ये है। मेरी हमेशा सोच रही है, मैं आज नहीं, हम तो इतने सालों से लगे हुए हैं, लोग हमें बेवकूफ बोलते थे, पागल बोलते थे कि ये कुछ नहीं होगा, मैं अरे क्यों करना है बेटियों को ट्रेन। मैं कहता हूं हर बेटी, मेरी जिस्म की आखिरी खून की बूंद तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस देश की बेटियों को जो मैं सिखा सकता हूं, जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है वो, और उसके अलावा कहीं ना कहीं मैं भी बोलता हूँ, मेरा भी फेलियर है कि मैं हर बेटी को नहीं सिखा पाया आज तक देश में, बहुत बड़ा राष्ट्र है हमारा, कोशिश करूंगा, लेकिन जो भी हो सकता है वो भी करूंगा। दूसरी बात, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि हमें अपनी बेटियों को भी ज्यादा अवेयर करना पड़ेगा, काउंसलिंग की बहुत जरूरत है, हमें अपनी बेटियों के साथ बैठना बहुत जरूरी है। बच्चियों को वक्त दीजिए साहब, मैं हमेशा कहता हूं कि वो तेज हैं लेकिन ये गम की आंधियां टल जाएंगी, इन चिरागों को ना छूना वरना उंगलियां जल जाएंगी, अरे मत जलाओ बेटियों को माल और दौलत के लिए वरना एक दिन आपकी भी बेटियां जल जाएंगी। अब सवाल आता है मीडिया वालों से, चुनावों की सिर्फ खबर चलती रहेगी, पार्टियों के बीच का झगड़ा ही दिखाते रहेंगे। तीसरा जो मेरा सॉल्यूशन है वो ये है, जब ऐसी कोई बात होती है तो क्यों नहीं कंप्लीट शटडाउन करके पूरा देश का मीडिया सिर्फ इस बात के पीछे लग जाए, सभी के पीछे लग जाए कि इस ऐसे किसी भी क्रिमिनल को सबसे बड़ी सजा मिले, फिर और कोई दूसरी न्यूज नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आप जो मीडिया वाले हैं, हाँ 10% है जो बहुत अच्छा इस बात पे बात करते हैं, सिर्फ एक बात, क्या ये मुद्दा किसी चुनाव की रैली से बड़ा नहीं आपके लिए, क्या किसी की भी बेटी हो साहब, क्या ये मुद्दा किसी क्रिकेट के या किसी फुटबॉल के, किसी स्पोर्ट्स के या किसी सेलिब्रिटी फंक्शन के या किसी मूवी के उसके एड से बड़ा नहीं आपके लिए? जितने मीडिया वाले, बड़े प्रेम से आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि आपके घर में माँ बहन बेटियां बीवी हैं? छोटी बेटी को देखिएगा अपने घर और बस एक बार सोच के देखिएगा, बहुत बड़ी ताकत रखता है मीडिया अगर अपने पे आ जाए। लेकिन मैंने जानबूझ के इस वीडियो करने के पहले मैंने पूरे चैनल खंगाले, टोटल 2 से 3 चैनल जो इस बारे में बात कर रहे हैं, बाकी सब तो भी उसमें है ना, कोई अपना एजेंडा चला रहा है, कोई अपना एजेंडा चला रहा है, तो हो सकता है आपकी मीडिया की पॉलिसीज बहुत हों, कॉर्पोरेट हाउसेस ये वो बहुत सारी चीजें, आपके जो पर्सनल हैंडल्स है ना, मैंने कईयों की वो भी चेक की, थोड़ा सोचिएगा इस बारे में, आप वो आपकी मर्जी है। और मैं ध्यान रखिएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन कितने लोग मेरे साथ हैं, मैं अकेला भी हूं ना तो अभी तक तो काफी रहा, और आगे भी अपनी आवाज उठाने के लिए ना, ये आवाज उसी दिन रुकेगी जिस दिन जिस्म में जान ना रह जाए, जिस दिन शरीर से ना आत्मा ना रहे, तब बात है। मुझे ना यहाँ देखिएगा जरा, ये पीछे कौन है, इनने जान इस भारत के लिए दी थी है ना, कि बेच खाए लोग इस देश में और सब चुप रहे। चलिए मैं अपना प्रयास करता हूँ। अब तीसरा मुद्दा मीडिया की जिम्मेदारी है, कंप्लीट ब्लैकआउट करके सिर्फ इस न्यूज पे जब तक एक निर्णय ना आए, जब तक कठिन कानून ना बने, जब तक एक निर्णय ना आ जाए इस बारे में, तब तक मीडिया अगर चाहे तो कर सकता है अपनी तरफ से प्रेशर। चौथी, हम समाज के तौर पर, पेरेंट्स के तौर पर, क्या हम अपने बच्चों को कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज और कहीं ना कहीं संस्कार और कहीं ना कहीं उनके साथ बैठकर इन सब विषयों पर बात करते हैं? अगर आप नहीं करते तो ध्यान रखिएगा, आप भी जिम्मेदार हैं ऐसे एक हाल। बच्चे बड़े होंगे और ऐसा नहीं है कोई दूध का दुला नहीं है, हो सकता मैं भी जब उस उम्र में था मैंने भी अपने पिताजी से बगावत की कोशिश की होगी, मैंने भी उनकी बातों को माना नहीं होगा, लेकिन हमारे वक्त पे ना कुटाई होती थी, हमारे वक्त अलग था, वक्त इन द सेंस कोई मैं उस स्टोन एज से नहीं आ रहा हूं, मैं कोई आदि मानव नहीं हूं भाई, लेकिन समय बदलता है। मैं ये कहता हूं कि अब बच्चों को, पहले जब डांट दिया जाता था तो बात अलग थी, अब आप डांट, मुझे लगता है मैं एज अ पेरेंट भी अगर एक बात करता हूं, डांटने से अच्छा है ना मालूम तो रखिए साहब, आपको ये मालूम है कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, आपको मालूम है किस फेमस आदमी की लाइफ में क्या चल रहा है, किस नेता की लाइफ में क्या चल रहा है,
क्या आपको एक पेरेंट के तौर पे ये पता है कि आपकी बेटी की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके बेटे की संगति क्या है? बुरा लगेगा, कोई बात नहीं, मेरा काम है पेरेंट के तौर पे दूसरे पेरेंट से बात करना चाह रहा हूँ। क्या आपको असल में पता है कि स्पेशली जो इनके बच्चे 12 साल से लेकर 20-22 साल तक के हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, बैठिए उनके साथ, समय बहुत दीजिए उनको, समय दीजिए साहब। ये महंगा फोन देने से, लंबी गाड़ी देने से, उससे बेहतर है ना वक्त दीजिए अपने बच्चों को। समस्याएं सबको है दोस्त, सबको है, ध्यान रखिएगा। एक भाई के तौर पर आप थोड़ा सा समय काटिए, अपनी बहन से बात तो करिए। आपको पता है मेरी बहन है जो है, आज भी अगर कोई चीज होती ना तो हम लोग एक दोस्त के तौर पे, एक मुझे पहले सबसे पहले पता चलती है वो बात। मेरे बेटे बेटी की जिंदगी में, जीवन में कुछ भी होगा ना, छोटी छोटी चीज, कॉलेज से आएंगे, स्कूल से आएंगे ना, कुछ भी होगा, कहीं पे भी हो दुनिया के किसी भी कोने में, हाँ अगर मोबाइल का एक्सेस है, बहुत सारी ऐसी जगह रहता हूँ, लेकिन अगर समय नहीं रहा तो समय निकाला जाता है। समय तो किसी के पास नहीं है दोस्त। लोग पूछते हैं ना फ्री कब होंगे, मौत के बाद ही फ्री होते हैं। बात यहाँ पर यह है, ध्यान रखिएगा परिवार के तौर पर, यह चौथी चीज है, हमें ही सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। समस्या किसकी है साहब? आप किसी और के भरोसे बच्चे आपने जन्म दिया था क्या? नहीं ना, आपकी, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है मेरे परिवार के लिए। चौथा ये है, मैं बस ये चाहता हूँ कि देश की बेटियां सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।